अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इस वक्त अमेरिका यूरोप में ख़ासतौर पर जो अमवात हैं या जो केसेस हैं उसकी तादाद हम सब के सामने है। मीडिया रोज़ाना की बुनियादों पर खबरें आप तक पहुँचा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएँ तो यही सवाल उठता है कि भाई ये कोरोना है भी या नहीं है या कोई ड्रामा है, ये क्या है मसद, ये WHO की साजिश है, ये किसकी साजिश है, ये चाइना अमेरिका की कोई जंग है, हम बिला वजह में पिस रहे हैं। आप देखो पाकिस्तान में जो है कितने कम केसेस हैं और पाकिस्तान में अमवात भी बहुत कम है, उसके बावजूद जो लॉकडाउन किया हुआ है और हम भी उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं और उस लॉकडाउन की वजह से जो है जो माशी हालात हैं वो हमारे मुल्क के बेनता ख़राब हो रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, तो इसलिए हमें जो है जनाब ये लॉकडाउन हटा देना चाहिए और एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, इतना खौफ नहीं होना चाहिए जैसा खौफ मौजूद है। ये डिबेट और ये डायलॉग जो है आपको हर जगह मिलेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि ये कोरोना आखिर चलेगा कब तक, अगर जैसे कि बात हो रही है कि ये 6 महीने अगर 1 साल तक जाएगा तो क्या जब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ लॉकडाउन रहेगा, या अगर ऑनलाइन सर्विसेज या थोड़ा बहुत खुलेगा तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सवालात आज हम करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस पर अपनी दस्तरस रखते हैं, और जब हम अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ तो ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं हम उन पर जो है वो मशवरा कर रहे हैं। तो मैं गेस्ट का पैनल का तारुफ कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी हैं PMA के। सर आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। आपके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जयपाल छापड़िया साहब, आप भी हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और बहुत कुछ लिखते हैं आप, इस पर आपने बहुत तहरीर लिखी हैं कोरोना के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC की। आज भी बिलावल भुट्टो ने एक डॉक्टर से मुलाकात की वज़ीर आला सिंध के साथ, और दूसरी जानब असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बहुत दिलचस्प थी। मैं चाहूँगा जो हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं इनको ज़रा कुछ ख्याल सुनवाएँ कि असद उमर साहब आज क्या कह रहे थे। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना से नुकसान सबसे कम, वफाकी वजीर असद उमर ने अदाद शुमार कौम के सामने रख दिए। एक माह के अंदर 720 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत वाकई हो सकती है अगर ये मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4,800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के जरिए में। पाकिस्तान में 2 हलाकत हुई हैं हर 10 लाख शहरियों के आबादी के ऊपर। असद उमर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्की मईशत को शदीद धचका पहुंचा। मैं सिर्फ ये मार्च से मुवाजना करूं तो 119 अरब रुपए एक माह के अंदर महसूलात के कम हो गए। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी कह रहा है कि मेरे घर के अंदर जितनी खुराक हम पहले खाते थे वो ये कोरोना के मर्ज आने के बाद हमें उसमें कमी करने की जरूरत पड़ी है। वफाकी वजीर ने मुस्तकबिल के हालात का नक्शा भी खींचा। कम से कम 2 करोड़ से लेके ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। रोजगार में कितना असर पड़ा है, ज्यादा से ज्यादा ये हद जो है तकरीबन 1,80,00,000 तक पहुँच सकती है। उनका कहना था कि फैसलों में किसी की तकलीफ नहीं करेंगे, फैसला करें उसका नतीजा देखें और फिर उससे आगे बढ़ते जाएं, ये एक तरीकेकार है जिससे हम चलना चाहते हैं। हमें जो हिफाजती तदाबीर बताई हुई हैं वो हमें हर सूरत में उनको फॉलो करना है। असद उमर ने अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर्स की सूरत हाल से भी आगाह किया। ICU बेड्स इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 5,000 से कुछ कम है, वेंटिलेटर्स जो है मुल्क के अंदर वो भी तकरीबन 5,000 के करीब है, लेकिन 900 मजीद हमारे पास वेंटिलेटर्स आ जाएंगे। आज कितने वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं पाकिस्तान में कोरोना से के लाख मरीज 35। वफाकी वजीर ने ये भी कहा कि कोरोना का इलाज वैक्सीन से ही मुमकिन है, लेकिन हम इन बंदिशों के साथ नहीं रह सकते, हतमी फैसला 9 मई से कबल कर लिया जाएगा। जी डॉक्टर शेरशाह साहब, ये आपने सुना असद उमर साहब को, और ये जो 10 लाख की वो बात कर रहे हैं कि अगर आबादी के तनासुब को देखें तो पाकिस्तान में 2 लोग जो हैं वो निकलते हैं, और इस वक्त अगर हम कंपैरिजन करें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त स्पेन में 414 अमवात हुई हैं,
और 10 लाख आबादी में इटली में 305, फ्रांस में 256, अमेरिका में 116 अमवात हुई हैं और पाकिस्तान में 10 लाख की आबादी पर जो है 2 अमवात जो है वो फिगर आती हैं। तो ये इतना फिक्र करने की इसका मतलब बात नहीं है, ये ऐसे ही जो है डॉक्टर खौफ फैला रहे हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे अभी असद उमर साहब के इस बयान ने बड़ा मायूस किया है। अच्छा, बहुत मायूस किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात करेगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि 460 आदमी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 4800 हर महीने पाकिस्तान में। 8 बच्चे रोज मर जाते हैं पूरी दुनिया में 8000 बच्चे रोज मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कोरोना में अगर 1 लाख मर गए तो ऐसी क्या बड़ी बात है, ये तो ऐसी बात है ना। 8000 बच्चे दुनिया में मर जाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 400 के करीब औरतें हमल के दौरान मर जाती हैं। पाकिस्तान में 1000 जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 80 की मौत वाकई हो जाती है। तो ये तो कोई ये कोई तकाबुल करने का अंदाज़ बिल्कुल सही नहीं है। बात यह है कि सारी दुनिया में उलट सुलट हो गई है, कोरोना निकला है तूफान की तरह फैल गया है। हर मुल्क, जिन मुल्कों में हेल्थ के निजाम बहुत ऑर्गेनाइज हैं, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, लेकिन जब उन्हीं मुल्कों से पाकिस्तान ने कम पत हो रही है। मैं अभी आ रहा हूँ, जिन मुल्कों में हेल्थ के सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज हैं वहाँ पर इतनी बड़ी तबाही आ गई है और उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो सम हाउ हम खुशकिस्मत हैं या जो भी वजह है, हमारे पास इन्फेक्शन के फैलने की वो रफ्तार नहीं है जो उसूलन होनी चाहिए इन कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। डिस्पाइट ये कैसे साहब ने कहा कि लॉकडाउन हुआ है, सच्ची बात यह कि पाकिस्तान में लॉकडाउन तो हुआ नहीं, ये तो एक मजाक है। ये मजाक है, और लॉकडाउन होना था तो हो जाता, हम आधे तीतर आधे बटे होते। इसी की तरफ आ रहा हूँ। ये जो हमारे हुक्मरानों का अजीब व गरीब तरीका है ना कि हेल्थ का मसला है तो डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, पब्लिक हेल्थ के लोगों से नहीं पूछेंगे, वो ऐसे लोगों से। इस दफा तो सर ऑन बोर्ड लिया गया है डॉक्टर, बहुत देर में डॉक्टर में लेवल पे भी देखे ना, असद साहब ने कोर्ट कर दिया 5000 वेंटिलेटर है। 5000 वेंटिलेटर पाकिस्तान में नहीं है, भूल जाए इस बात को, 5000 वेंटिलेटर पाकिस्तान में नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि सारी वेंटिलेटर का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर से पहले का मरहला है, मरीज को बीमार पड़ने की जरूरत। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर सिमी जाते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइए कि आप क्या समझती हैं कि ये जो एक खौफ कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की जानिब से ज्यादा फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान इतना शिकार है नहीं, जो लॉकडाउन खत्म करने में और सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जाने में अगर कोई रुकावट बन रही है तो वो डॉक्टर्स का की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या डॉक्टर्स का इजहार ख्याल है। हालांकि जब हम कंपैरिजन करते हैं यूरोप से, अमेरिका से, तो पाकिस्तान में जो है ये उस लिहाज से देखा जाए तो वो इफेक्ट नहीं किया जो कि वहां कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट को इस बात में बोलने की जरूरत है और बहुत अच्छी बात है डॉक्टर डॉक्टर साहब ने जो अभी बोला, मैं सुन रही थी उनकी बात। सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेरशाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी, डॉक्टर शेरशाह ने जो फरमाया मैं बिल्कुल सुन रही थी उनकी बात। डॉक्टर्स बिल्कुल खौफ नहीं फैलाना चाहते ना, बिल्कुल उनका काम है कि आप हौसला दें और आपका कौम का काम है कि डॉक्टर्स को इस वक्त हौसला दें, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी बड़ी तनदही से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बहुत खुशाइंद है कि पाकिस्तान ने वो सिचुएशन अभी अराइज नहीं की जो कि इटली, स्पेन या यूनाइटेड स्टेट्स में है। वो हालात हमारे अभी तक नहीं है और खुदा ना करे कि ऐसे हालात हों, क्योंकि अगर ऐसे हालात हुए तो हम उसको कम्बैट कर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास उतने बुरे हालात होंगे भी नहीं इंशाल्लाह और ना हुए हैं, लेकिन हमें प्रिवेंशन तो करने की जरूरत है ना, और हमें ये चाहिए कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स पर अच्छी तरह से अमल करें। जो डॉक्टर्स ने गाइडलाइंस बताई हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वही बताई हैं, वही हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गवर्नमेंट ज्यादा फोकस है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें एक दिन जो है बहुत ज्यादा वजीर आला सिंध ने डरा दिया था कि जो अमवात हो रही है, दूसरी अमवात जो हो रही है जिन पे कोरोना के फिगर्स में नहीं आ रही हैं, उनमें से भी बेशतर जो हैं वो उस कोरोना का पॉजिटिव हो सकती हैं, जिस पर आपने रद्दअमल दे दिया था, एक दफा दोबारा जरा फरमा दें। देखिए, वजीर आला सिंध ने बिल्कुल किसी को नहीं डराया, वो तो एक फैक्चुअल बात कर रहे थे और उन्होंने फैक्चुअल बात ही की थी कि जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में या कराची में, सिंध में जो भी कुछ हो रहा है वो फैक्ट्स पर मबनी है कि कुछ डेथ हुई होंगी बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज्यादा नहीं थी और ग्रेजुअली जैसे जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है वैसे ही हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास
कितने केसेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि भाई जो डेथ हुई है जो कि कोरोना में नहीं आ रही, वो कोरोना के खाते में ना डाली जाए। नहीं, वो तो बिल्कुल कोरोना के खाते में नहीं डाल सकते, ना डाली गई है पाकिस्तान, ना डाली जाएंगी, क्योंकि वो जब तक आपने टेस्ट ना किया और कंफर्म्ड केस ना, आप उसको कोरोना नहीं कह सकते, चाहे कुछ भी होता है। तो देयरफॉर यू कैन नॉट लेबल देम एज कोरोना। लेकिन कुछ डेथ जो हुई होंगी शहर में, बहुत सारी वजूहत हैं। अब हमने देखा है कि हमारे शहर में लॉकडाउन था, गाड़ियां नहीं चल रही, ट्रैफिक नहीं चल रही, लोग नहीं अस्पतालों को पहुंच सकते, इस वजह से भी बहुत अच्छा, सारे एक बार और मुझे बता दें कि ये क्या मजाक चल रहा है डॉक्टर या हॉस्पिटल्स के अंदर कि जब कोई क्रिटिकल पोजीशन के अंदर कोई मरीज जो है हॉस्पिटल जाता है, किसी भी खासतौर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है भाई ये तो कोरोना लग रहा है, इसको पहले कोरोना का टेस्ट करवा के लाएं। तो अब उसका एक इमरजेंसी सिचुएशन है, डॉक्टर्स परेशान है कि इसको हाथ लगाएं या ना लगाएं। भाई अगर कोई क्रिटिकल पोजिशन में आए, इतना टाइम नहीं है कि वो टेस्ट करवाया जाएगा। हमारे पास ही बड़े क्रिटिकल केसेस आते हैं और हर वक्त आते रहते हैं। आपको पता होगा कि सरकारी अस्पतालों में तो हर वक्त क्रिटिकली केसेस आते हैं, और सबसे मुश्किल केसेस भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि मेडिकल सेक्शन के भी काम यहीं पर होते हैं। ये तो नहीं कहा जाता जनाब पहले जो है कोरोना का टेस्ट होगा उसके बाद देखेंगे कि जनाब क्या, जिन्होंने इस तरह किसी को नहीं कहा जाता, जिन्होंने जिसको हम सस्पेक्ट समझते हैं। लेकिन ऐसी शिकायत जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां से बहुत ज्यादा आ रही है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, इस तरह की शिकायत आ रही है, और पहले वो कोरोना का टेस्ट करवाना चाहते हैं और उसके बाद दो लोगों को दाखिल करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तो कोरोना के इतने टेस्ट हो नहीं सकते, और ये टेस्ट महंगा है। अगर आप प्राइवेट इदारे में जाएंगे तो बहुत महंगा, 8000 रुपए का टेस्ट है, और अगर आप जो फ्री मराकज हैं जैसे ऐसा यूटी में या किसी और अस्पताल में चले जाएं या सेल अस्पताल में या हमारे पास आएं तो वो बिल्कुल फ्री है। नहीं, फ्री तो है, लेकिन वहां पर ये बात कही जाती है, सिम्टम्स देखे जाते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि 99% कोई कह दिया जाता है नहीं आप ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कोई क्रिटिकल पोजिशन में जाता है तो उसका टेस्ट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो क्रिटिकल नहीं और ठीक ठाक चलते हुए आए और उनके टेस्ट हुए, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ली जाती है वहाँ पे, और एक प्रोफॉर्मा होता है जो भरा जाता है, और अगर उस प्रोफॉर्मे में आप फिट आ जाते हैं तो फिर आपका टेस्ट होता है। ठीक है जी, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस और हीट वेव के खतरात भी मंडला रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर जयपाल छापिया साहब आपकी तरफ नहीं आ सके, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आएंगे। और दूसरा मैं एक अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान का जो एक तकाबली जायजा है वो भी हम पेश करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान, वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के जहनों में जो कोरोना वायरस से मुतालिक सवाल बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, वही सारे सवाल हम लेकर हाजिर हुए हैं। ये हमने मौजू जो है सोशल मीडिया पर भी दिया था कि आप जो हैं जो सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से, हमारे एक्सपर्ट से, वो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। काफ़ी सवाल हमारे पास जमा हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो डॉक्टर जयपाल छापिया साहब जो आया वो ये है कि ये जो कोरोना आया आखिर ये कब तक चलेगा, आप क्या कहते हैं कब तक जाएगा? अच्छा, उसमें मैं तो समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है हमारी विल पे। जैसे हमारे मुल्क में पहले भी आप देखेंगे हमारे विल न होने की वजह से आज तक हम पोलियो नहीं ख़त्म कर पाए, हम टीबी नहीं ख़त्म कर पाए, तो इसी तरह ये जो सिलसिला चल पाया उसमें हमारी विल ज़रूरी है। दोनों कन्फ्यूज़ हैं, वो सिंध गवर्नमेंट भी खुद कन्फ्यूज़ है, वो ये तो करती है लेकिन वो बंदूक चलाना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब अपना डिसीजन नहीं रखना चाहती। नंबर वन, वो 5 बजे तक लाहौर भी बंद हो रहा है, 5 बजे तक कराची भी बंद हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे कर रहे हैं। अच्छा, जो चाइना में हुआ था कि 3 महीने का तकरीबन वो उनका चला था, तो पाकिस्तान में अगर मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से तो ये मई का महीना तो पूरा जाएगा हमारा, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी, क्योंकि हमने आज तक शऊर नहीं दिया लोगों को कि हम कंटामिनेशन को रोक कैसे सकते हैं। लोग आज भी हाथ मिला रहे हैं, मैं जिस इलाके में क्लिनिक करता हूँ गोलीमार में, वहाँ लोग लूडो और ताश खेल रहे हैं और एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रखे हुए हैं। और यहाँ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 70-80% लोग कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, जो जो जो, जो सबको पता है कि उसमें 0% मतलब वो वायरस को रोकता ही नहीं है। फिर कौन सा मास्क लगाए? जो सर्जिकल मास्क और N95 तकरीबन 200 रुपए सर्जिकल ले, 2500 रुपए का सर्जिकल का, सर्जिकल का सर्जिकल बेहतर है, सेम है जो 30-40 रुपए में मिल रहा है।
वैसे तो जो चाइना ने हमें जो मास्क दिए वो अभी तक समझ में नहीं आए, उनकी तलाशें गुमशुदा चल रही है उन मास्क की, तो मिल जाएगा। होता ये है कि हमारे गवर्नमेंट में या मुल्क में आप देखें डॉक्टर्स को मिले, डॉक्टर्स को मिले मास्क नहीं, आप नहीं, आप देखें ना कि किसी मीडिया में कोई भी डॉक्टर आता है उसको सिमी जमाली को N95 नहीं पहना हुआ था जब हम, लेकिन कोई वजीर आता है उसके साथ जो उसके लोग हैं उन सबको N95 पहना हुआ है। तो ये मतलब जो बाहर का है वो सिविल जिना के डॉक्टर को नहीं पहना हुआ नजर आ रहा, तो ये मतलब डॉक्टरों को नहीं दिया गया ना, देना चाहिए तो उसको पाबंद बनाया चाहिए, आप रिसीव कर रहे हो आपको लगाना है तो। लेकिन हमारा जो लोगों को जब तक तरबियत भी नहीं करेंगे हम लॉकडाउन भी नहीं करेंगे। शेषा साहब ये फरमाएं क्या क्या इस बार सबसे ज्यादा खतरे में खुद देखें, अब तो जो सूरत हाल डॉक्टर की हो गई है अब लोगों को डॉक्टर से खतरा हो जाएगा, इसलिए कि देखें मेरे पास फिगर है पाकिस्तान में 466 डॉक्टर और नर्सेज और मिडवाइफ और हेल्थ वर्कर्स अफेक्टेड हैं। सिर्फ पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर्स अफेक्टेड हैं। पेशावर में जो डॉक्टरों का हॉस्टल है वहाँ जो बंदा खाना सप्लाई कर रहा है वो खुद अफेक्टेड है, अभी अंदर चला गया है, अभी कितने लोगों को वो अफेक्ट कर चुका है। पंजाब में लाहौर की फिगर मेरे पास है, लाहौर में 96 हेल्थ वर्कर अफेक्टेड है। अच्छा, इससे पहले कि इनको डायग्नोस किया गया उससे पहले कितने लोगों को इफेक्ट कर चुका है। आज की जो सबसे सदमे वाली खबर है कराची के एक डॉक्टर की जो डेथ हुई है, किस तरह से डेथ हुई है कि वो मुख्तलिफ अस्पतालों को तलाश करते रहे, हमारे असद साहब कह रहे हैं कि 5000 वेंटिलेटर हैं, कराची में डॉक्टर को वेंटिलेटर नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला और डेड ऑन अराइवल थे वो। तो ये बड़ी खौफनाक और सदमे वाली खबर है। तो जो डॉक्टर इन्फेक्टेड है उससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड होंगे, तो इसका सबसे पहला हल जरूरी है कि हर डॉक्टर को महफूज रखा जाए। अब मैं आपको बताऊँ छोटी सी बात है, डॉक्टरों की ड्यूटी आवर्स का क्या हिसाब किताब है, डॉक्टरों को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, इससे उनका वायरल लोड बढ़ता है। जितने मुल्कों से सीखना चाहिए ना, जिन मुल्कों में हुआ है वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी उन्हें 6-6 घंटे कर दी, चार घंटे कर दी, डॉक्टर जल्दी जल्दी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं ताकि वायरल लोड उनका कम हो, वो जाए ना जाए। ये ट्रेंड जो है ये तो यूरोप में भी रहा, इटली में हमने देखा कि 100 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है, 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए हैं। इटली में जो वायरल एक्शन था वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ था, तो वहाँ तो इतना ज्यादा हुआ, पाकिस्तान में जो वायरल लोड है वो कम है, उसमें इतना भी नहीं होना चाहिए था, मेरा कहने का मकसद ये है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और मुल्कों से सीखना चाहिए, नेपाल में कोई भी मरीज नहीं मरा है, वियतनाम में कोई भी नहीं मरा है, चेकोस्लोवाकिया में जो मास्क की बात हो रही है ना, हालांकि नेपाल में 63,000 एक बड़ा फिगर है, देखा जाए तो आबादी के लिए। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, N95 तो सिर्फ उन लोगों को पहनना चाहिए जो डायरेक्ट मरीज से कांटेक्ट में है, आम आदमी को किसी को नहीं पहनना है। ठीक, सर्जिकल मास्क और घरों में 4 लेयर कपड़े की ले लें, पुरानी बनियानें उठा लें, 4 लेयर बना लें, उसका मास्क बना लें। चेकोस्लोवाकिया में यही हुआ है, तुर्की में मास्क खरीदा नहीं जा सकता, हर तरफ फ्री में मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, ये प्रिवेंशन का तरीका ये। अब आ जाइए शटडाउन की तरफ, देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना आपसे बीच में बात हो रही थी, बात यह है कि अगर हुकूमत ने की समझ में आ रही होती बात और हुकूमत क्लियर होती और हुकूमत को फैसला करना होता कि हमें आवाम की फिक्र है कि माशी ग्रोथ की फिक्र है, हमें आवाम की फिक्र होनी चाहिए पहले दिन से, जैसा कि वियतनाम में हुआ, पहले दिन से ही लॉकआउट होता, कंप्लीट लॉकआउट होता, 6 हफ्ते में सारा मामला खत्म हो चुका होता, हम लोग सब बाहर घूम रहे होते हैं। ये हुकूमत का ये कहना कह रहे को हम गल्ला नहीं पहुंचा सकते, इससे बड़ी कमजोरी हुकूमत की क्या हो सकती है। हुकूमत और आर्मी अगर मिलके गली कूचों में, देखें देहातों का मसला नहीं, उनके पास गल्ला होता है, जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे की बात है कि हमारे जो मिसमैनेजमेंट हुई और हमने बहुत कीमती टाइम जो अपना जाया किया, हम ये लॉकडाउन की डिबेट में लगे रहे, पहले दिन से इमरान खान साहब जिस तरह डिबेट कर रहे थे वजीर आजम, इस सिम का जो मामला चल रहा था, अगर शुरू के जो 6 हफ्ते हैं वो बहुत आप जिस तरह फंस रहे हैं उस तरह अगर लॉकडाउन कर देते तो आज ये पोजिशन नहीं होती, जैसा सऊदी अरब में हुआ, जैसा दुबई के अंदर हुआ, UAE के अंदर हुआ। डॉक्टर सिमी जमाली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, डॉक्टर सिमी जमाली साहब, ये जो एक बड़ा सवाल जो निकल के आया है सामने कि जिस सूरत हाल के अंदर हम हैं, अब दुनिया जो है वो ओपन होना शुरू हो गई है, अब सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जो है, बल्कि यूरोप में हम देख रहे हैं कि बाजार वगैरह खुलने शुरू हो गए हैं, अमेरिका में भी ये बड़ी डिबेट है, सऊदी अरब में, UAE में जो है सब ओपन हो रहा है, तो अब पाकिस्तान में आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक जो है ये कोरोना वायरस जो चलेगा या इसकी मुद्दत जो है कहां तक जा सकती है आगे? देखिए ये तो $100 million क्वेश्चन है, $100 million कब तक चलेगा, इसलिए कि ये तो किसी को भी नहीं पता, बड़े बड़े लोग नहीं बता सके कि कब तक चलेगा और कब तक जाएगा, खुदा करे कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है।
लेकिन मैं लॉकडाउन के बारे में एक सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन, काश के हम चाइना जैसा मुल्क होते जिसने अपने जो हमारे हुक्मरान होते उनकी बात सुनी होती और उस वक्त हम लॉकडाउन को इतना स्ट्रिक्ट कर देते कि फिर लोग वाकई घरों से ना निकलते। अब ये लॉकडाउन पढ़े लिखे लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि है, लेकिन जो जो लोग निचले तबके से हैं या जिनके घर छोटे छोटे हैं, गलियों मोहल्लों में खेल रहे होते हैं उनके बच्चे और जगह जगह फिर रहे होते हैं और लोग बिना जवाब भी घरों से निकल रहे होते हैं, इतनी दफा उनको ये बात बताई गई है कि आप सामाजिक फासला या फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हो रहा। और वही मैं हाल देखती हूँ कि बिना जवाब अस्पताल के अंदर भी यही हाल है कि बिना जवाब इतनी जगह लिखा हुआ है, बताया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि बिना जवाब घरों से बाहर ना निकलें। अब हुकूमत उनको एक एक आदमी को हाथ पकड़ के तो घर में नहीं बिठा सकती और ये बात जो है लोगों को खुद भी समझने की जरूरत है और हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर कंप्लाई करें, क्योंकि हुकूमत हमारे फायदे में बात कर रही है, हुकूमत हमारे नुकसान में बात नहीं कर रही। अगर हम नहीं समझेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। एक आदमी को हो जाता है अगर ये वायरस तो सारा घर जो है उससे इफेक्ट होता है। और देखिए आज हमारे एक डॉक्टर की शहादत हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ एंड आई विश के ये ये बजाय इसके के इधर उधर जाते, काश के हमारे अस्पताल में आ गए होते और इनको हाथों हाथ हमने ले लिया होता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ये हमारे अस्पताल तक तो पहुंचे ही नहीं और न मालूम कहाँ पर गए। तो लाइक ये चीजें जो है देर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीबडी। मेरा ख्याल में लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स को अभी भी कंप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लॉकडाउन जो है आखिर कब तक जाएगा और इसको जो है अगर हम धीरे धीरे कम करने जाते हैं, जो कि आज बात की गई है कि 9 मई के बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा कि इसको कम करना भी ज़रूरी है, जो माशी हालात हैं, जो डॉक्टर शेरशाह बात कर रहे हैं कि हम जो है वो राशन देते सबको या फूड देते तो उसमें जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है या लोग जो सुने उसकी बात वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, और दूसरा जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो सिर्फ सिंध में ही था उस पर भी एतमाद नहीं किया गया, जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं या जो ग्रास रूट लेवल तक हम अपने ही लोगों पर एतमाद करते हैं उसको कई उसको जो है वो सबको नजरअंदाज किया गया। तो ये लॉकडाउन जो है अब क्या हम जो डेट सामने आ रही है 9 मई की, डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं, क्या हमें सब कुछ ओपन कर देना चाहिए? और दूसरा थोड़ा सा हम इस सेशन में जो मैं आपको जायजा पेश करना चाह रहा था अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान का कि कितने टेस्ट हुए, क्या फिगर्स है, वो नहीं पेश कर सका वक्त की कमी के से, ब्रेक के बाद मैं उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। वेलकम बैक सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, बहुत आम सवाल सीनियर डॉक्टर्स से हम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में हर जगह का सवाल है। डॉक्टर्स भी ये शिकवा कर रहे हैं कि भाई इतनी अवेयरनेस देने के बावजूद आवाम की समझ में नहीं आ रहा है कि वो एहतियात करें। थोड़ा सा लास्ट सेशन के अंदर हल की जानेब हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। डॉक्टर जयपाल छापिया साहब, ये फरमाएं सर कि क्या आप क्या समझते हैं, जो डिबेट लॉकडाउन की हो रही है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में कहता है, इसमें वफाकी हुकूमत का भी महसूस होता है कि वहाँ पे भी यही कुछ इजहार ख्याल है कि ये लॉकडाउन जो है ये हटा देना चाहिए और जो है वो एसओपीस एक बनाई जाए, हर चीज़ की एसओपीस हो, मजमे ना हो, लेकिन जो कारोबारी ज़िंदगी है वो चला दिया जाए। और उसकी वजह उस पीछे यही है कि हर शख्स तक राशन नहीं पहुँच सकता, हर शख्स तक कैश नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, एहसास प्रोग्राम भी 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए है, लेकिन उसके अलावा जो 22 करोड़ की आबादी उसका क्या होगा? देखिए मैं समझता हूँ इस केस में हल कोई मुश्किल नहीं है, एक तो प्लानिंग की होती है और दूसरा आप इकोनॉमिक्स से जब कोई इक्सादी मसला हल करना चाहते हैं तो इकोनॉमिस्ट से पूछते हैं, तो ये डॉक्टरों से पूछना है कि इस मसले का हल क्या है। ये कोई डॉक्टर से इकोनॉमिस्ट उसका हल ये है कि देखो ये बीमारी फैल रही है, ये आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस हमने दे दी है, अवेयरनेस नहीं दी है आज तक, कोई बच्चा हेलमेट क्यों नहीं पहनता, कहाँ अवेयरनेस दी है, सिर्फ बोला गया भाई हेलमेट पहनना चाहिए, अच्छी बात है, कोई हेलमेट कोई नहीं पहनता ना उस पे पेनल्टी है। मैं बोलता हूँ एज अ डॉक्टर, मैंने देखा है गुटके से एक घर में 3 लोगों को मरते हुए, मैं बोलता हूँ गुटका खराब है लेकिन गुटका मिल रहा है मार्केट में, मैं बोलता हूँ। अच्छा, जो गुटके का जिक्र किया आपने, ये जो एक हमने 4 साल के बच्चे की एक 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 डेथ देखी और बासी शहीद अस्पताल के अंदर 2 घंटे तक वो बच्चा जो वहां पे रहा और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई पहले पुलिस रिपोर्ट कराएं, 2 घंटे बाद डॉक्टर पुलिस आई और उस बच्चे की डेथ हो गई, कितने अफसोस की बात है। ये पतंग की डोर जब बनती है हर एक को पता है, आपको हम अपने
अपने मीडिया के रिपोर्टर से मालूम करवा देंगे अगर पुलिस को मालूम करना है। इसी तरह गुटखा छालिया कहाँ मिलता है तो वहां जहां बनता है वहां पे जाके अटैक करें, बंद कर जैसे चले कोरोना डॉक्टर में बोलता हूँ सिगरेट बंद होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हम टैक्स कमा रहे हैं इसलिए मार्केट में उसमें जाली सिगरेट का एक बहुत बड़ा नुकसान में, लेकिन सिगरेट कोई भी हो जाली हो या वो कैंसर तो करता है ना। मैं बोलता हूँ एज अ डॉक्टर के सिगरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है टैक्स कमा रहे हैं हम टैक्स। तो ये कोरोना का जो मसला है वो सेम है, वो गवर्नमेंट देख रही है हमारी इनकम बंद हो रही है, लोग मतलब मासूल नहीं देंगे, दुकानें बंद हैं, बिजनेस गिरा है, लेकिन हम एज अ डॉक्टर देख रहे हैं कि हमारा डॉक्टर, हमारा एक्स जनरल सेक्रेटरी अभी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, वो एनेस्थेटिस्ट है, कितने हॉस्पिटलों में जाता था, हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा, कई लोग पॉजिटिव है। लेकिन टेस्ट की बात है, मैं ये भी पेश करना चाहूंगा, एसआईयूटी में 70 से 80 टेस्ट हो रहे हैं जिसमें 30% पॉजिटिव। देखिए जी, ये बहुत जरूरी है एक पेश करना है कि अमेरिका में जो टोटल केसेस हो गए हैं वो 11,74,202 और वहां पे डेथ हैं वो 68,088, रिकवरी 1,76,988 और वहां जो टेस्ट हुए थे वो 70 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया का तो 42,505 जो है वहां पे केसेस आए हैं, 1,391 डेथ हुई हैं, रिकवरी जो है वो 11,775 है और टेस्ट वहां भी 10 लाख हुए हैं, जबकि पाकिस्तान 10 लाख से ज्यादा हुए। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 20,084 जो है यहां पे जो है पॉजिटिव आए हैं, 457 डेथ हुई हैं, 5,114 जो है वो रिकवरी हुई हैं और सिर्फ 2 लाख से ज्यादा 2,03,000 जो है वो टेस्ट हुए हैं। तो देखिए ये तो आपने तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें नहीं, मैं तो इंडिया की भी सीने दी, इसलिए बोला हूं कि आप सर हाल आप बताएं। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है जी कि WHO, यूनिसेफ, UNFPA जो इन्हीं तरह के मामला से डील करती है वो क्या कह रही है, वो दुनिया में देख रही है क्या, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, CDC क्या कह रहा है। ये वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात का फैसला करते हैं कि मेडिकल के मसले को कैसे हल किया जाए। अब अगर आप मसले का हल वजीर खजाना से मांगेंगे तो वजीर खजाना तो यही देखता है कि डजंट मैटर। अब आपकी नजर में क्या है, उसी तरफ आ रहा हूं कि 2 लाख आदमी मर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डॉक्टरों के लिए एक आदमी मर जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिर्फ एक ही है जो दुनिया में आजमाया गया है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। वजीर आजम, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे लोग, वजीर दाखला आके बोले सबके सामने कि ये कुछ हफ्तों की बात है, ये सरकार लॉकडाउन होगा तो लोगों को राशन सरकार देगी। अगर ये अगर ये लोअर क्लास को छोड़े जो सफेद पोश तबका है मुल्क का, जो असल में 60-70% जो मिडिल क्लास है उसे कौन पहुंचाएगा राशन? सरकार पहुंचाएगी उनको, जिसके पास हो सकता है कि मोटरसाइकिल भी हो, गाड़ी भी हो, सकता है उसका घर भी पहना हो, लेकिन उसके पास नहीं है पैसे राशन लाने के लिए, कहां से सरकार आएगा उसके पास? सरकार उसका कारोबार नहीं खुलेगा। सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और मैं भी थोड़ा सा सफेद पोशी हूं, लेकिन अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मैं जरूर जाकर सरकार से रोटी लूंगा, क्योंकि सबकी हिफाजत करनी है। और अगर सरकार लोगों को खाना नहीं पहुंचा सकती है गलियों में और सलन में, तो ऐसे सरकार को हुकूमत करने का भी हक नहीं है। सरकार और फौज और पुलिस, इनकी जिम्मेदारी है कि कंप्लीट लॉकडाउन कराएं और उस कंप्लीट लॉकडाउन में हर आदमी को जरूरत की चीजें मिले और वो 4-5 हफ्ता जिंदा रहे, उसके बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा। अदरवाइज ये वायरस घूमता रहेगा, ये 3 महीना की बात नहीं है सर, ये 6 महीना और 8 महीना भी चलेगा। और सरकार के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है लाख आदमी मर जाए, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझाना पड़ेगा। लोग समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि सरकार की डबल पॉलिसी चल रही है जी, ये ऐसे काम डॉक्टर सीमी जमाली इलाज यही है बस जी। ये फरमाएंगे दस्तक दे रहा है हमारा डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस और हीट वेव, तो इसकी क्या तैयारी है? वैसे तो हीट वेव से अब लॉकडाउन है तो थोड़ा सा बचा जा सकता है, लोग घरों में रहे, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या तैयारी है इस सिलसिले में? से बड़ा अफसोस होता है कि हम सब कोविड के पीछे लगे हुए हैं लेकिन हम सारी दीगर बीमारियों को भूल ही गए हैं। ऐसे लगता है कि सारी बीमारियां दुनिया से और पाकिस्तान से गायब ही हो गई हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। इस वक्त डेंगू के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि डेंगू जो है आगे मलेरिया भी आ रहा है, और मलेरिया तो खैर सारा साल ही रहता है लेकिन डेंगू भी एंडेमिक है, और इस वक्त जैसे रेनफॉल होगा उसके बाद बहुत आप देखेंगे कि मच्छरों की बड़ी अफजाइश होगी और रेन हमारे पास डेंगू भी बहुत हो जाएगा। तो वी शुड नेवर फॉरगेट कि हर तरह के मरीज हैं, कोविड नेचुरली एक पेंडेमिक है जो इस वक्त पूरी दुनिया इस मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन हम जो अब लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं और जो और चीजों की बातें कर रहे हैं, अभी हीट वेव आने का सिलसिला शुरू हो गया कि ट्यूजडे से कह रहे हैं कि हीट वेव आ रही है कराची में, तो हमें इन सब चीजों को भी टैकल करने की जरूरत है साथ ही साथ। और एक तरह से
बहुत अच्छा होगा कि लोग अगर अपने घरों में रहें ताकि वो इन बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे और बगैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। प्रिवेंशन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन ही प्रिवेंटिव मेजर्स ही हमें हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप जिस तरह का हाफ हार्टेड इस वक्त हो रहा है कि आधे लोगों को छोड़ दिया, आधे लोगों को रखा हुआ है, सुबह से लेके इस वक्त तक आप लॉकडाउन रखेंगे, उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आई थिंक दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपने जो स्टेप्स देने हैं, गवर्नमेंट का काम है कि वो डिसाइड। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं, इनको गवर्नमेंट की जानिब से ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर शेषा भी फरमा रहे हैं, सीमी जमाली भी फरमा रही हैं, डॉक्टर जयपाल भी फरमा रहे हैं। सर बस हमारा टाइम जरा खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और ये गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स का, और खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जो महाजराएं चल रही है, इस पर एक पेज पे आना लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजवान जाफर, इजाजत दीजिए सवाल पाकिस्तान का।